हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, टुडे वी विल लर्न लेसन 5 ही और शी। ये आपके ग्रामर का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। नेम्स फॉर बॉयज मेन एंड मेल एनिमल्स आर मेल नेमिंग वर्ड्स। नेम्स फॉर बॉयज, जो नेमिंग वर्ड्स, जो नेम्स बॉयज मेन एंड मेल एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम मेल नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, टाइगर, लॉयन, हॉर्स, फादर, शीप, बुल। नेक्स्ट, नेम्स फॉर गर्ल्स, वुमेन एंड फीमेल एनिमल्स आर फीमेल नेमिंग वर्ड्स। जो नेम्स गर्ल्स, वुमेन एंड फीमेल एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, उन्हें फीमेल नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन, टाइग्रेस, लॉयनेस, मेयर, फादर, मदर, सॉरी, ईवी, का। बच्चों यहाँ देखो, मैन आपने फर्स्ट क्लास में भी सीखा है, चेंज द जेंडर जिन्हें कहते हैं। मेन, मैन, मैन का जेंडर क्या होगा? वुमेन। मैन किस में आएगा? मेल कैटेगरी में। वुमेन फीमेल में। यहाँ पे टाइगर, टाइगर, टाइग्रेस, ये मेल एनिमल्स हैं और ये फीमेल एनिमल्स है। और एक एक्सरसाइज दी है, किंग मेल, क्वीन फीमेल। कुछ करेंगे, बॉय मेल में, गर्ल फीमेल, पिकॉक पीहन, मैन वूमेन। एक्सरसाइज करते हैं, पार्ट ए। राइट द मेल और फीमेल नेमिंग वर्ड्स। हमें यहाँ पे मेल और फीमेल नेमिंग वर्ड्स राइट करने हैं। मेल दिया है तो हमें फीमेल राइट करना है, फीमेल दिया है तो हमें मेल राइट करना है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कम फीमेल क्या होगा? ग्रैंडमदर। बुल, काओ, अंकल, आंट, एम्परर, एम्प्रेस। यहाँ पे ब्लैंक दिया है, क्वीन। अभी हमें फीमेल दिया है यहाँ पे तो हमें इसका मेल फिल करना है। तो क्वीन का मेल क्या होगा? किंग, किंग राजा, क्वीन रानी। नेफ्यू, नेस, नेफ्यू क्या होता है? भतीजा, नेस भतीजी। सेवन, वुमेन फीमेल में दिया है, मेल में क्या आएगा? वुमेन का मैन। जेंटलमैन, जेंटल वुमेन। एक्ट्रेस, एक्टर, लॉयन, लॉयनेस। प्रिंसेस, मेल में क्या आएगा? प्रिंस, लॉर्ड, लेडी। बच्चों आपको ये स्मॉल लेटर में ही राइट करने हैं, चेंज द जेंडर। ये आपको प्रैक्टिस नोटबुक में राइट करने हैं। पार्ट बी, अंडरलाइन द मेल नेमिंग वर्ड्स एंड सर्कल द फीमेल नेमिंग वर्ड्स। आपको ये एक सेंटेंस दिया है, इसमें जो मेल नेमिंग वर्ड्स हैं उस पर आपको अंडरलाइन करना है और जो फीमेल नेमिंग वर्ड्स हैं उस पर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट वन, द कोक हैज़ ब्राउन फीदर्स। इसमें नेमिंग वर्ड क्या है? कोक। कोक क्या है, कौन से इसमें आएगा? मेल नेमिंग वर्ड्स में। कोक क्या होता है? मुर्गा। इसको हमने मेल नेमिंग वर्ड्स पे क्या करना है? अंडरलाइन। नंबर टू, द ब्राइड इज टॉकिंग टू द ग्रूम। इसमें नेमिंग वर्ड्स क्या है? ब्राइड, ग्रूम। ब्राइड क्या होता है? दुल्हन। और ग्रूम किसे कहते हैं? दूल्हा। तो दूल्हा, ग्रूम क्या है? मेल नेमिंग वर्ड्स। तो इस पर हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। और हमें फीमेल नेमिंग वर्ड्स पे क्या करना था? सर्कल। तो ब्राइड, दुल्हन, तो इस पर हम क्या करेंगे? सर्कल। ये थर्ड टू एट, ये बच्चों आपको प्रैक्टिस नोटबुक में खुद करने हैं। कल मैं आपको इनका सोल्यूशन दूंगी। पार्ट ए, पार्ट बी, ये आपको होमवर्क की प्रैक्टिस नोटबुक में करना है। ये आज आपका होमवर्क है, इसको पार्ट ए को, पार्ट बी को आपको राइट करना है। बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं इनका कल मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। कल मैंने लेसन 4 पार्ट ई आपको ये कुछ सेंटेंसेस दिए थे, ये उसका सोल्यूशन है। ये अच्छे से मैच कर लेना।
part F. Correct the mistake and rewrite the sentence. ये आपका सोल्यूशन है, ये अच्छे से मैच कर लेना और प्रैक्टिस नोटबुक में इसे राइट कर लेना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.